नाउ यू विल सी वॉट इज़ फिजिकल पेंडुलम ठीक है तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था फिजिकल पेंडुलम इज़ दैट पेंडुलम जब एक्सेस ऑफ रोटेशन जो होगा दैट इज़ इनसाइड द बॉडी तो ये येल्लो बॉडी चेक करो तो सपोज दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन दिस एक्सेस के अबाउट दिस बॉडी इज रोटेटिंग दैन दिस पेंडुलम इज़ कॉल्ड एज फिजिकल पेंडुलम ठीक है तो ये एग्जाम्पल में भी चेक करो सपोज ये अपना एक्सेस है ठीक है ये रॉड मैंने लिया हुआ है सो दिस इज आर एक्सिस ऑफ रोटेशन करेक्ट सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब जिस पॉइंट पर दिस पेंडुलम या दिस बॉडी इज सस्पेंडेड ये जो पॉइंट होगा दिस इज आर सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी करेक्ट तो so सपोज इस पोजीशन से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लीव करूँ रॉड को तो क्या होगा बताओ क्या होगा जल्दी से इमेजिन करो आई गिव यू टेन सेकेंड्स दिस बॉडी विल कम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एम आई करेक्ट मुझे बताओ ये बॉडी का स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा सोचो अच्छे से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा मतलब जो रॉड है वो रोटेट होके इस पोजीशन पर रुकेगा दैट मींस जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है एंड सेंटर ऑफ मास है दे विल ऑलवेज बी इन सेम वर्टिकल लाइन करेक्ट है मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बॉडी का सेंटर ऑफ मास और अर्थ का सेंटर क्या होगा हमेशा सेम वर्टिकल लाइन पे होगा देन धिस पोजिशन इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्वलिब्रियम पोजिशन ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम ट्राई करके देखो अपना पेंसिल लो ठीक है हॉर्जोंटल रखो और एक पॉइंट पर उसको फिंगर से पकड़ो और हल्का सा उसको लूज़ करो तो क्या होगा वैसे वर्टिकल नीचे रुकेगा दैट मीन्स दिस विल बी स्टेबल इक्लिब्रियम पोजिशन एम आई करेक्ट ठीक है सो नोटेशंस चेक कर लो अभी ये जो डिस्टेंस होगा कौन सा डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड सेंटर ऑफ मास इज़ कॉल्ड एज डी स्मॉल डी करेक्ट फिर से एक बार चेक करो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड सेंटर ऑफ मास इज सेट टू बी स्मॉल डी करेक्ट ठीक है अभी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ओके सो आई एम ड्राॅइंग न्यू डायग्राम और न्यू पेज ओके okay, चेक करो ऑलमोस्ट सिंपल पेंडुलम जैसा ही डायग्राम है तो ये येलो से मैंने रिजिड बॉडी ड्रॉ किया हुआ है आई हैव शोन व्हाट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी करेक्ट सो इनिशियली दिस इज पोजीशन जैसे इसको लीव करेंगे वो इस पोजिशन में आएगा ये ब्लू डॉटेड मैंने शो किया हुआ है जहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास विल बी इन सेम वर्टिकल लाइन ठीक है तो कितने एंगल से हम लोगों ने डिस्प्लेस किया है बाय एंगल टीटा एग्जैक्टली सेम स्टेप से अच्छे से देखो तो बॉडी का अगर एफ बी डी ड्रॉ करें तो एफ बी डी क्या होगा नीचे एम जी करेक्ट ठीक है सो दिस एंगल विल बी टीटा ये लाइन को अगर एक्सटेंड करें सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी टीटा चेक करो डाइग्राम में सो इफ यू टेक एम जी के कंपोनेंट्स आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दिस कंपोनेंट कंपोनेंट कितना होगा एम जी साइंटीटा करेक्ट है सो विल फाइंड वॉट इज टॉर्क ठीक है वी आर यूजिंग एंगुलर मेथड सो टॉर्क क्या होगा टॉर्क इज फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये जो फोर्स है एम जी साइन टीटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है स्मॉल डी करेक्ट तो स्मॉल डी सही है करेक्ट ठीक है और डायरेक्शन कैसे ले डायरेक्शन चेक करो बॉडी कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज तो राइट हैंड फिंगर्स टर्न क्लॉकवाइज थंब कहां कहाँ पर है इनसाइड तो इनसाइड वी विल टेक नेगेटिव करेक्ट तो ये माइनस एम जी साइन टीटा इन डी नाउ टीटा इज वेरी स्मॉल एज यूजल हम लोग क्या लेते हैं एंगल इज वेरी स्मॉल तो साइन टीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू टीटा इसको अरेंज करते हैं सो दिस विल बिकम माइनस एम जी डी टीटा अगेन टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस टीटा देर वी कैन से दैट इट इज एस एच एम करेक्ट देर फोर ये जो इक्वेशन वन है यहाँ पर टॉर्क की जगह पर क्या लिखे आए अल्फ़ा माइनस एम जी डी टीटा करेक्ट अल्फा की जगह पर क्या लिखे वॉट इज़ अल्फ़ा जैसे हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करेक्ट है या फिर अगर तुम लोग मैग्नीट्यूड भी देखोगे तो कुछ ऐसा होगा मैग्नीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर एक्स करेक्ट लेकिन सिर्फ यहाँ पर फिर अल्फा का डायरेक्शन लेना पड़ेगा अल्फ़ा का डायरेक्शन देखो बॉडी कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज सो राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थम कहाँ पर है इन साइड सो अल्फ़ा इज ऑल्सो इन साइड तो अल्फा यहाँ पर नेगेटिव होगा करेक्ट तो so, यहाँ पर ही हम लोग माइनस साइन एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है तो सिंपल सी ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अगर गलती से सपोज माइनस साइन रहेगा यहाँ पर तो समझ लेना है कि कुछ तो साइन मिस्टेक है तो माइनस साइन तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी एस लिखा है तो माइनस साइन अगर कैंसिल नहीं हुआ तो माइनस साइन एडजस्ट कर लो ठीक है सो so, सिंप्लीफाई करते हैं इसको आई अल्फा अल्फा की जगह पर क्या लिखे? ए इज़ ओमेगा स्क्वायर एक्स तो अल्फ़ा होता है ओमेगा स्क्वायर टीटा सो अल्फा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर टीटा इज एम जी डी टीटा सही है तो टीटा कैंसल करेक्ट ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर आएगा एम जी डी अपॉन आई करेक्ट देर फोर ओमेगा विल बी अंडर रूट एम जी डी आई ओमेगा टू पाई बाय टी देर फोर टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम विल बी टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी तो ये फार्मूला तुम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो करेक्ट तो फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला हमेशा क्या यूज़ करोगे टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम जी डी वेर आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस एम इज मास ऑफ़ द बॉडी एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास करेक्ट तो दोनों फॉर्मूले याद रखो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या था टू पाई अंडर रूट एल बाई जी और फिजिकल पेंडुलम का क्या होगा टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी सही है करेक्ट है तो दो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे इस पर बेस्ड फिजिकल पेंडुलम पर बेस्ड And then we'll move on to torsional pendulum. ठीक है एक बार अच्छे से देखो पूरा डेरिवेशन एंड देन कंटिन्यू सो नाउ विल सी एग्जांपल वन चेक करो प्रॉब्लम में वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड दिस रॉड इज सस्पेंडेड एट दिस पॉइंट तो एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन गिवन है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो अपर एंड से एल बाई फोर डिस्टेंस पर है वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम करेक्ट काफी बेसिक सा प्रॉब्लम है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्या फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी करेक्ट तो सबसे पहले ये वैल्यूज फाइंड कर लेते आई एंड डी ट इज डी डिस्टेंस बिट्वीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास करेक्ट सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के सेंटर में ही होगा सो धिस डिस्टेंस विल बी एल बाई फोर एम आई करेक्ट सो दिस इज डी ये तो हमको इजिली मिल गया नाउ वी हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट दिस एक्सेस करेक्ट अबाउट एक्सेस विच अबाउट विच बॉडी इज रोटेटिंग तो ये हुआ अपना एक्सेस तो ये एक्सेस कैसे फाइंड करें रोटेशन मोशन में हम लोगों ने सीखा है ये एक्सेस कैसे फाइंड करें पैरेलल थ्योरम सो विल बी एक्सिसम प्लस एम डी सो हम लोग क्या करेंगे इस एक्सेस के अबाउट वी विल ड्रॉप पैरेलल एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर तो ये होगा आईसीएम एंड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू एक्सेस चेक करो दिस इज दिस डी ओनली करेक्ट वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रॉड इज एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम व्हाट इज डी डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल एक्सिस एल बाय फोर करेक्ट सो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय सिक्सटीन तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पर तो uh, एलसीएम लेंगे तो so, एलसीएम कितना होगा दिस एलसीएम विल बी सेवेन एम एल स्क्वेर बाय फोर इंटू ट्वेल्व चेक करो सही है क्या वन अपॉन फोर हम लोगों ने कॉमन लिया और अंदर एलसीएम ले लिया पॉज दिस वीडियो पहले बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेक्ट है क्या देन ओनली कंटिन्यू ठीक है सब्स्टिट्यूट सारे वैल्यूज टी में टाइम पीरियड सो टी विल बी टू पाई अंडर रूट आई मतलब सेवन एम एल स्क्वेर बाय फोर इंटू ट्वेल्व एम जी डी डी इज एल बाय फोर करेक्ट कैंसल आउट टर्म्स टर्म्स कैंसिल करेंगे यहां पर तो ये फोर कैंसिल ये एक कैंसिल एक एल यहां पर कैंसिल होगा सो ओनली टर्म्स रिमेनिंग विल बी टाइम पीरियड इज टू पा अंडरूट सेवन एल बाय ट जी करेक्ट है क्या सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम सही है ठीक है तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला लिखो और नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन और डी याद रखो डी इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास सही है सोल्व वन मोर प्रॉब्लम तो ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा ठीक है सो चेक कर लो एक्साम्पल टू एक्साम्पल टू में वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिसल पेंडुलव टू रॉड्स ईच ऑफ मास अरेन्ज इन टी शेप सो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डाइग्राम में गिवन है सो एज वी नो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी स्मॉल डी विच इज डिस्टेंस बिट्वीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ठीक है तो कैसे फाइंड करूं सबसे पहले वी विल फाइंड वेर इज सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास कैसे होगा चेक करो ये जो रॉड ए है इसका तो सेंटर ऑफ मास विल बी ओवर हियर तो वी विल कंसीडर मास एम इज एट दिस प्लेस जो रॉड बी है इसका सेंटर यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास सो मास एम यहां पर है सो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास जो है दोनों के सेंटर में होगा यहां पर करेक्ट सो दिस डिस्टेंस विल बी एल बाय फोर करेक्ट है सो दिस विल बी सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम करेक्ट तो स्मॉल डी क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास तो ये डिस्टेंस कितना होगा एल बाई टू प्लस एल बाय फोर सो थ्री एल बाय फोर करेक्ट और सेकेंड चीज मुझे ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो क्या करूं ड्रॉ एक्सिस पैरल टू दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रॉड बी तो ये होता है आईसीएम करेक्ट तो पैरल आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर तो यहां स्क् डी वन स्क्वायर लेबल करता हूं मतलब दोनों डी कंफ्यूजन नहीं होगा व्हाट इज डी वन डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरल एक्सिस तो ये डिस्टेंस होगा बिटवीन दीस टू पैरल एक्सिस डी वन इज नथिंग बट एल सब्सिट्यूट करते हैं सो एम एल स्क्तना है पासिंग थ्रू सेंटर एम एल स्क्शन कितना होगा बताओ चेक करो पॉज करो वीडियो खुद से कैलकुलेशन करो सो दिस विल बी सेवेंटीन एम एल स्क् समझ में आया करेक्ट

तो यहां पर यू कैन सी टोटल मास ऑफ सिस्टम इज टू एम करेक्ट जी और डी ठीक है तो कैंसल आउट टर्म्स एम कैंसल ठीक है व्हाट इज डी डी चेक करो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये भी यहां पर सब्सिट्यूट कर देते डी इज थ्री एल बाय फोर बराबर है So, यहां पर एक एल कैंसिल और क्या कैंसिल होगा ये फोर यहां पर थ्री करेक्ट सो कैलकुलेशन कर लो देअ फॉर टाइम पीरियड विल बी टू पाई अंडर रूट देखो क्या क्या बचेगा सेवनटीन एल अपॉन ये थ्री थ्री नाइन नाइन टू जटीन एटीन जी सो दिस विल बी टाइम पीरियड ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम करेक्ट है खुद से एक बार अच्छे से सॉल्व करो इतना डिफिकल्ट है नहीं सिर्फ दो चीजें करनी है फाइन डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास और दूसरा चीज तुमको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड मूमेंट ऑफ इनश सिस्टम सही है वेरी गुड